वेलकम टू योर स्टडी चैनल। आप सबका स्वागत है इस चैनल में। आइए आज कोरोना वायरस से रिलेटेड जितनी भी ऐप लॉन्च हुई है उसके बारे में अच्छे से डिटेल में यहाँ पे स्टडी करते हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये देखिए, ये सारी एप्लीकेशन जो लॉन्च हुई है कोरोना वायरस को देखते हुए उसके बारे में डिटेल में अच्छे से आगे करेंगे। ये इंग्लिश में आपको दे रखे हैं, ठीक है। जैसे कि फर्स्ट है क्वारंटाइन एप्लीकेशन है जो कि IIT बॉम्बे ने लॉन्च की है। सेकंड है प्रज्ञान ऐप जो कि झारखंड के द्वारा लॉन्च की गई है। फिर थर्ड है राजकोप सिटीजन ऐप जो कि राजस्थान द्वारा लॉन्च की गई है। ये सभी की सभी एप्लीकेशन आपको यहाँ पे दिखाई जा रही है। तो देखिए चलते हैं आगे। ये एप्लीकेशन है इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इंग्लिश में है ये सभी। और कुछ एप्लीकेशन है मेरी सेकंड पेज पे, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जैसे कि इसमें फर्स्ट है एम कोविड-19 ऐप जो कि मिजोरम ने लॉन्च की है। ऐसे आगे आगे जैसे भी आप देख रहे हैं सब सारी की सारी एप्लीकेशन, सभी एप्लीकेशन यहाँ जितनी भी लॉन्च हुई है उतनी पॉसिबल है कि सभी यहाँ पे आपको स्टडी करवाएंगे। अब चलते हैं इसके क्वेश्चन कैसे बनते हैं, एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं उसके बारे में डिटेल में आगे देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन वो कह रहे हैं कि किस IIT ने क्वारंटाइन एप्लीकेशन लॉन्च की है। आपके जो ऑप्शन है, आपके जो ऑप्शन है वो है IIT मद्रास, IIT दिल्ली, IIT बॉम्बे, IIT नागपुर। इन सभी में से आपको आंसर देना है। जो राइट आंसर है वो है IIT बॉम्बे, ठीक है। ये एप्लीकेशन जो क्वारंटाइन इनको किया गया है, जिनको क्वारंटाइन किया गया है अगर वो भाग जाते हैं या कहीं चले जाते हैं तो उसको ट्रैक करने के लिए हेल्प करती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत के किस राज्य ने प्रज्ञान ऐप लॉन्च की है। आपके ऑप्शन है झारखंड, गोवा, केरला, ओडिशा। जो कि इसका राइट आंसर है झारखंड है। ये ऐप आपको एक पास प्रोवाइड करवाती है जो कि विद इन 24 आवर में 24 घंटे के अंदर अंदर आपको प्रोवाइड करवा देगा। आप कहीं भी आ जा सकते हैं, इस पास को बस साथ में रखना होगा। चलते हैं आगे। इस पास को, इस एप्लीकेशन को या इस पास को ई पास के नाम से भी जाना जाता है। भारत के राजस्थान राज्य ने कौन सी ऐप लॉन्च की है। क्वेश्चन ध्यान से। भारत के राज्य ने, भारत के जो राज्य है राजस्थान, उसने कौन सी ऐप लॉन्च की है। आपके ऑप्शन है कोविड केयर, किसान रथ, राजकोप सिटीजन और नादी। तो आपका जो राइट आंसर है राजकोप सिटीजन, जो कि लास्ट आप कर चुके हैं। तो हेल्प करेगी वो राजस्थान जनता में आपको आने जाने में, पास प्रोवाइड करवाने के लिए इस एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है। ये क्वेश्चन है कोरोना वॉच ऐप किस राज्य ने लॉन्च किया है। कोरोना वॉच किस राज्य ने ऐप लॉन्च किया है। आपके ऑप्शन है कर्नाटका, मणिपुर, गोवा, मिजोरम। तो इसका जो राइट आंसर है वो है कर्नाटका। कर्नाटका ने कोरोना वॉच एप्लीकेशन लॉन्च की है। कोरोना वायरस की जानकारी व उससे बचाव के लिए किस देश ने आरोग्य सेतु ऐप लॉन्च किया है। आपके जो ऑप्शन है वो है जापान, चाइना, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया। जिसका राइट आंसर है वो है इंडिया। यह ट्रैकिंग ऐप है जो सिटीजन को अपडेट रहने के लिए ये गाइडेंस करता है। और ये 11 भाषाओं में ये एप्लीकेशन है, यानी 11 लैंग्वेज में
11 लैंग्वेज में आपको प्रोवाइड की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कोरोना वायरस पीड़ित व्यक्तियों की निगरानी रखने के लिए रक्षा सर्व ऐप किस राज्य ने लॉन्च की है? रक्षा सर्व ऐप किस राज्य ने लॉन्च की है? आपको ऑप्शन दे रखी है कर्नाटका, छत्तीसगढ़, बिहार और यूपी। इसका जो सही आंसर है वो है छत्तीसगढ़। इस घर पर क्वारंटाइन किया है या जिस व्यक्ति को क्वारंटाइन किया गया है वह घर से बाहर किसी और से मिले, इसकी निगरानी रखने के लिए यह ऐप लॉन्च की गई है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस राज्य सरकार द्वारा कोविड केयर ऐप लॉन्च की गई है? किस राज्य सरकार द्वारा कोविड केयर ऐप लॉन्च की गई है? आपके जो ऑप्शन है वो है सिक्किम, वेस्ट बंगाल, नेपाल, अरुणाचल प्रदेश। जो इसका राइट आंसर है वो है अरुणाचल प्रदेश। तेलंगाना राज्य में कौन सी ऐप लॉन्च की गई है? आपके ऑप्शन है हेल्प मी ऐप, कोरोना वॉच ऐप, मॉनिटरिंग सिस्टम ऐप, कोवा ऐप। और इसका जो राइट आंसर है वो है मॉनिटरिंग सिस्टम ऐप। कौन सा ऐप नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा लॉन्च किया गया? आपके ऑप्शन है मॉनिटरिंग सिस्टम ऐप, कोविड केयर ऐप, किसान रथ ऐप और SS कोरोना ऐप। इसका जो सही आंसर है वो है किसान रथ ऐप। यह किसान अपने प्रोडक्ट सेल कर सकता है ऑनलाइन और जो व्यापारी है वो इस प्रोडक्ट को परचेज कर सकते हैं, खरीद सकते हैं। यानी किसान और जो व्यापारी है वो आपस में एक दूसरे पे सेल कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। SS कोरोना ऐप किस केंद्रीय प्रदेश द्वारा लॉन्च किया गया? आपके जो ऑप्शन है वो है चंडीगढ़, दमन एंड दीव, दिल्ली और जम्मू एंड कश्मीर। इसका सही आंसर है वो है दिल्ली। नागालैंड में कौन सी ऐप लॉन्च की है कोरोना वायरस को चलते हुए, कोरोना वायरस को ध्यान में रखते हुए? आपके ऑप्शन है किसान रथ ऐप, SS कोरोना ऐप, हेल्थ डिक्लेरेशन COVID-19 ऐप और नादी मोबाइल ऐप। जो आपका इसका राइट आंसर है वो है सेल्फ डिक्लेरेशन COVID-19 ऐप, जो कि ये बताता है कि लोगों को अगर COVID-19 के लक्षण है तो उससे अवेयर करवाता है ताकि वो उनसे दूर रह सके। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पांडुचेरी ने कौन सी ऐप लॉन्च की है? आपके ऑप्शन है हेल्प मी ऐप, कोविड सेफ ऐप, कोवा ऐप, नादी ऐप, नादी मोबाइल ऐप। जो आपका राइट आंसर है नादी मोबाइल ऐप। COVID-19 ऐप किस राज्य द्वारा लॉन्च किया गया? आपके ऑप्शन है मिजोरम, नागालैंड, ओडिशा और सिक्किम। इसका जो राइट आंसर है वो है मिजोरम। यह राज्य कोविड की पूरी जानकारी इस ऐप के जरिए आपको प्रोवाइड करवाएगा कि यहाँ कितने लक्षण हैं, कितने केस हैं, सब डिटेल में ये ऐप उस स्टेट के बारे में बताएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कोविड फार्मा ऐप किस राज्य के द्वारा लॉन्च किया गया? आपके जो ऑप्शन है वो है काठमांडू, बिहार, भूटान, आंध्र प्रदेश। और इसका जो राइट आंसर है वो है आंध्र प्रदेश। इसमें क्या है कि अगर किसी को खांसी जुकाम या बुखार के लिए ओवर द काउंटर दवाई कोई खरीदने जाता है या खरीदने वाला है उस पर नजर रखी जाती है मेडिकल के द्वारा।
और वो उनकी लिस्ट को आगे सेंड करता है ताकि पता चले अगर किसी को लक्षण है या नहीं है तो उसको क्वारंटाइन किया जा सके। इसकी डिटेल आपको ये ऐप प्रोवाइड करवाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस देश ने कोरोना बचाव के लिए एप्लीकेशन लॉन्च किया है? आपके ऑप्शन है ब्रिटेन, इटली, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया। उसका जो राइट आंसर है वो है ऑस्ट्रेलिया। यह ब्लूज की जरिए से यह ब्लूज के जरिए काम करता है जो कि कोविड के बचाव के लिए आपको अलर्ट करवाता है ताकि आप दूसरों से दूरी बनाए रखें। आगे चलते हैं। हेल्प मी ऐप किस राज्य द्वारा लॉन्च किया गया? आपके जो ऑप्शन हैं जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब या हरियाणा। आपका जो राइट आंसर है वो है हरियाणा। इसमें क्या है ऐप में? इसमें डॉक्टर, ई पास, बैंकिंग के रिलेटेड, मेडिकल फैसिलिटी और फूड को डोनेट करने की फैसिलिटी इसमें है। अगर आप वो डोनेट करना चाहते हैं तो आप इस ऐप के जरिए डोनेट कर सकती हैं। अपना जो डाटा है, जो भी इंफॉर्मेशन है, इस ऐप के जरिए आप भिजवा सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पंजाब ने कौन सी ऐप लॉन्च की है? जो पंजाब स्टेट है उसने कौन सी ऐप लॉन्च की है? आपके ऑप्शन है वॉच करो ऐप, संपर्क दीदी ऐप, कोवा ऐप, सेहत साथी ऐप। इसका जो राइट आंसर है वो है कोवा ऐप, यानी इसकी जो फुल फॉर्म है कोरोना वायरस अलर्ट ऐप। यह कोरोना वायरस से बचने के लिए अवेयरनेस और रिलीफ फंड पैकेज जो भी है और ई पास की जानकारी जो आपको प्रोवाइड करवाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आयु एंड सेहत साथी ऐप किस राज्य ने लॉन्च की है? आपके ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान। आपका राइट आंसर है राजस्थान। यह आपको मेडिसिन प्रोवाइड करवाता है ऑनलाइन। ये क्वेश्चन देखिए। वॉच करो ऐप किस IIT द्वारा लॉन्च किया गया? आपके ऑप्शन है IIT दिल्ली, IIT मद्रास, IIT कोलकाता। तो आपका जो राइट आंसर है वो है IIT दिल्ली। कोविड 19 कोरोना वायरस से बचने के लिए क्या क्या प्रयास आपको करने चाहिए उसके बारे में आपको इस एप्लीकेशन में इंफॉर्मेशन मिलेगी। ये क्वेश्चन देखिए। संपर्क दीदी ऐप किस राज्य ने लॉन्च की है? आपके ऑप्शन है पटना, बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। तो आपका राइट आंसर है तो है उत्तराखंड। इंडिया गवर्नमेंट के द्वारा कौन सी ऐप लॉन्च की गई है? आपके ऑप्शन है आयु एंड सेहत साथी ऐप, वॉच करो ऐप, संपर्क दीदी, कोरोना कवच ऐप। आपका जो राइट आंसर है वो है कोरोना कवच ऐप। यह ऐप आपकी हेल्प करता है, सुरक्षा करता है, किसी व्यक्ति के संपर्क में ना आए या क्वारंटाइन व्यक्ति अगर रूल फॉलो ना करे उसको अलर्ट करता है। तो आज के लिए इतना ही। ये वीडियो पसंद आई हो तो आप शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू।